नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के आर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के मंझोली इंद्राना के जंगलों में शिकारियों ने तेंदुए को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की सूचना वन विभाग को मिलते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर विभागीय अमले ने पहुंचकर तेंदुए को जंगल से रेस्क्यू कर पशु चिकित्सालय महाविद्यालय की कैजुअलिटी में रखा है, जहां उसका पीएम किया जा रहा है। वन विभाग परिक्षेत्र सहायक आलूराम पटेल ने मौके पर जानकारी देते हुए बताया है कि सूचना मिली थी कि इंद्राना के घने जंगलों में एक तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच की तो तेंदुआ जंगल में मृत अवस्था में पाया गया। विभागीय अधिकारियों की माने तो तेंदुए की मौत का रहस्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही होगा, लेकिन प्रथम दृश्यता जांच में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तेंदुए की मौत करंट लगने से हुई है। तेंदुए की उम्र करीब 12 साल की है। विभाग मामले की जांच में जुटा है। घात लगाकर बिछाया गया तार का जाल जंगल की संपत्ति कही जाने वाले वन्य जीवों का शिकार अब आम बात होती जा रही है। क्षेत्र बड़े होने के चलते गश्ती दल महज। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है यहाँ पर इंद्राना में? इंद्राना में कल जैसे कि एक सूचना प्राप्त हुई थी ग्रामीणों के द्वारा कि इंद्राना के पास में ग्राम पठारी के पास जो वन क्षेत्र है, नारंगी वन क्षेत्र है, वन परिषद सिहोरा के अंतर्गत बीट इंद्राना और ग्राम पठार वहाँ पर एक मृत तेंदुए की सूचना प्राप्त हुई थी। तो वहाँ पर स्टाफ गया, हम लोग भी गए वहाँ पर, तो उसको वहाँ से हम लोगों ने वहाँ पर हम लोगों ने उसको देखा और उसकी सर्चिंग का कार्य प्रारंभ किया कि प्राथमिक रूप से किस कारण से ये घटना घटित हुई। अच्छा, जानकारी ये लगी है कि करंट लगाकर उसका शिकार हुआ, अभी कुछ प्रारंभिक तौर पर कुछ पता चला? प्रारंभिक जो दौर पर ये है कि कल की घटना थी, फिर अंधेरा हो चुका था तो उसकी सही तरीके से मुआयना नहीं किया जा सका। सुबह जैसे कि डॉग सर्चिंग के दौरान आसपास के एरिया छानबीन की गई और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है, और करंट लगने का जो भी है मृत होने का अभी तक स्पष्ट कारण नहीं हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम के उपरांत ही पता चलेगा कि आखिर वन प्राणी का किस कारण से घटना घटित हुई है। जैसे कि वन प्राणी फुल प्राप्त हुआ है, उसका कोई भी पार्ट अलग नहीं है और उसमें कोई भी किसी प्रकार का ऐसे ऊपरी तौर से कोई निशान नहीं दिख रहे हैं। कि ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।